जामा पुलिस थाना क्षेत्र के ननेऊ में 25 जनवरी की रात्रि में एक घर में घुसे लुटेरों ने बंदूक की नोक पर जेवरात व नकदी लूट ली। वारदात की खबर सुबह गांव में फैली तो छोटे से गांव ननेऊ के ग्रामीण सकते में आ गए। जिस घर में लूट की वारदात हुई वह एक पशुपालक है। घटना के समय वह अपने भेड़ों को चराने अन्य जिले में गया हुआ था। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने भी मौका मुआयना किया है। घटना के दो दिन बाद भी लुटेरों का पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। हबीबुल्ला पुत्र मोहम्मद सदीक निवासी मस्जिद की ढाणी काना सरिया ननू ने जाम्बा पुलिस थाने में दर्ज करवाए मामले में बताया कि 25 जनवरी की रात्रि करीब 1:30 से 2 बजे उसके घर पर अज्ञात लुटेरे गाड़ी लेकर आए तथा गाड़ी मार्ग पर खड़ी कर उसके घर में घुस गए। लुटेरों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है। लुटेरों के घुसते ही घर में सो रही उसकी पत्नी व बेटियां जाग गई तथा शोर मचाया, जिस पर लुटेरों ने उसकी पत्नी व बेटियों पर पिस्तौल तानकर धमकाया कि आवाज की तो गोली मार देंगे, जिससे उसकी पत्नी बेहोश होकर गिर गई, बेटियां डरकर बैठ गई। लुटेरों ने पास बने कमरे में रखे बक्से में से करीब 46 तोला चांदी के कड़े व चूड़ियां तथा 2 तोला सोने से बने आभूषण तथा 600 रुपये नकद लूट कर भागे। सोडादड़ा सरपंच शांति देवी के नेतृत्व में आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कल्याणों की ढाणी शिव नगर में शिक्षक की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने या उसका तबादला करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ प्रदर्शन किया। सरपंच ने कहा कि अब भी शिक्षा विभाग नींद से नहीं जागा तो 1 सप्ताह बाद बेमियादी तालाबंदी व धरना दिया जाएगा। सरपंच शांति देवी ने बताया कि कल्याणों की ढाणी शिव नगर में कार्यरत शिक्षक देवेंद्र कुमार पुरोहित ने L2 अंग्रेजी विषय पर 1 अप्रैल 2019 को पदभार ग्रहण किया, लेकिन पदभार ग्रहण के बाद से वह प्रतिनियुक्ति पर चला गया जो आज तक जारी है। उक्त शिक्षक की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने या उसका तबादला करने की मांग बार बार करने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने पर आज गुरुवार को स्कूल पर ताला लगा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सरपंच शांति देवी सहित सरपंच प्रतिनिधि गणपत राम, वार्ड पंच हनुमान राम कालीराणा, भागीरथ राम कालीराणा, गोवर्धन राम मांजू, ओम प्रकाश, हरलाल राम, भवरू राम, बुध राम, जगदीश सारण, जोरा राम कालीराणा व भगवाना राम खमुराम आदि उपस्थित थे। तहसील कार्यालय में कार्यरत नायब तहसीलदार सोई राम परमार की बीमारी के चलते बुधवार को ग्रह स्थल पर देहांत हो गया। गुरुवार को यहाँ तहसील कार्यालय परिसर में श्रद्धांजलि सभा रखी गई। श्रद्धांजलि सभा में दिवंगत नायब तहसीलदार सोई राम को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ 2 मिनट का मौन रख उनकी आत्मा की शांति की कामना की गई। श्रद्धांजलि सभा में SCGM लोकेश परिहार, उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल, घंटियाली नायब तहसीलदार रमजान खां, फलोदी प्रधान हाजी उमरदीन, ऑफिस कानून को जेठाराम, गिरदावर प्रेम प्रकाश, पटवारी रामेश्वर, डाल सिंह गोठवाल, अशोक विष्णोई, मोहनलाल पालीवाल, भोमराज पालीवाल, जितेंद्र मीणा, अनिता मीणा, अवधेश मीणा, महेश पालीवाल, गणपत भाट सहित कई अन्य कार्यालय कार्मिक उपस्थित थे। अधिवक्ता संघ बाप के अधिवक्ताओं ने भी नायब तहसीलदार सोई राम परमार को 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी। दोपहर 1 बजे श्रद्धांजलि सभा के बाद अधिवक्ताओं ने रेफरेंस घोषित करते हुए कार्य नहीं किया। ग्राम स्तरीय कोर कमेटी की बैठक आज गुरुवार को पंचायत भवन में सरपंच लीला देवी पालीवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पंचायत में हुए कोविड टीकाकरण की प्रथम डोज की गहनता से समीक्षा की गई। कोविड टीकाकरण की प्रथम डोज भी पंचायत क्षेत्र में 100% नहीं लगने पर BLO के माध्यम से मतदाता सूची से मिलान कर यह कार्य 100% पूर्ण करने को कहा गया। बैठक में सरपंच ने कहा कि बावरियों की ढाणी एवं सर की ढाणी में पुनः सर्वे करवा कर कोविड प्रथम डोज का 100% लक्ष्य पूर्ण करवाया जाए। इसके अलावा सरपंच ने वैक्सीन की प्रथम डोज का 100% लक्ष्य पूर्ण हो इसके लिए सर्वे टीम का गठन करने के लिए उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन लेने की भी बात कही। बैठक में प्रत्येक वार्ड अनुसार BLO एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोविड टीम के साथ मिलकर सर्वे टीम गठन कर सभी 1 से 21 वार्ड का पुनः सर्वे करवाना तय किया गया। बैठक में पूर्व उप प्रधान जगदीश पालीवाल, उप सरपंच गोपाल भट्टर, मोती कमल किशोर, ANM सुमन, विमला खोजा, वार्ड पंच सुरेश पालीवाल, गणपत भाट सहित BLO उपस्थित थे।